लाइक करो नहीं करो क्या समझोगे काबड़ा। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो नीचे जो लाल सा बटन आ रहा ना इसे काला कर दियो और घंटी के कान खड़े कर दियो और वीडियो को तो भाई जी लाइक कर ही दियो और मजा लो वीडियो का पूरा। एटीएम बेटे तू रो क्यों रहा है? अभी तो मैंने तुझे कुछ कहा भी नहीं। मैं रामजी कहाँ रो रहा, मैं मजाक कर रहा। रुक जा मैं बताऊंगी तुझे। आज ये वाले बच्चे क्यों नहीं आए? अरे मैं जापता तू नहीं है मैं। मैडम जी अगर तुम कहो तो 5-4 बच्चे दिहाड़ी पे मंगा दूं। रुक पत्नी मैं तुझे अभी बताती हूँ। ओ बेटे क्लास में भंडा चल रहा है, मैडम डंडा ठोक दी। एक काम कर थोड़ी देर में जाएंगे। नहीं बे नहीं रहेंगे, ले भी जाएंगे नहीं, मैडम बहुत मारेगी। हाँ ये सही कह रहा है भाई, चल रहेंगे तो मैडम बहुत मारेगी। बस आगा तो इसकी बात तो मैं डरगा इक्कर होने लग जाएगा तेरे वो मैडम साइड। मेरी बात सुन थोड़ी देर में जाएंगे, सुकून तो बैठ तो बीड़ी सिगरेट पियेंगे पहले। चलो बैठ के आ जाओ, रुको डर नहीं करते ला मुझे दे पहले। भाई पहले मुझे दे तू यार, मैं तुझे समोसे नहीं खुआ थे। अरे हाँ मैं चाट खुलाया आई सो यार, मैं तुझे घेवर खुआ रखे तू मुझे दे पहले। मेरी बात सुनो, मैं दूंगा उसको पहले जो मुझे कल को काले रसगुल्ले खुआवेगा। हाँ मैं खुलाऊंगा सुन ले। बस फंस गए थे बाल, तुम लड़ रहे भाई गिल्ली था ये तो बता देता छत वाता सब कुछ हितवाता। एक काम करो मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। चुपचाप बैठे रहो, इसे जान दो फिर खाऊंगा। ठीक है। रंगीले तू तो नुकार था डिलीट है। भाई मुझे वही देख रहा मगर डिलीट है तो छपकी। हाँ छपकी है तो। ओ बेटे क्या तो अंखा काट रही खराब। अरे इसका मतलब या घूर रही घूर गुस्सा दिखा रही। अच्छा जी। लोफर कहीं के। अरे लोफर किसे कह रही तू? आज सीधी गिलास में चली जा। अरे गिलास नहीं होता वो क्लास हो, बेइज्जती करवाओगेगा तू क्लास। हाँ नुकारा गुद्दी झांक दो चुपचाप चली जा। हैं गुद्दी हाथ तो लगा के दिखा। ओ बेटे मेरे तो मजे आएंगे, आएगा मेरे पे तो ऊपर। हाँ चलो भाई। इन्होंने 1 साल हो गए शरत मार रखी, अब देखो तू उसको हाथ लगा भी देगा और ले आज खुद ही ऊपर आएगा। देख आज थारे सामने दिखाऊंगा इसका हाथ लगा को, देखो या क्या कर लेगी। बंदे देखिए तो नकवा मार गया क्या? ये पकड़ रंगीले में कर रहा सही। अरे क्या हुए आयो? आई अकल। ये तो फटका लगा दे कहीं के। बदतमीज आज के बाद ऐसी गलती मत करना। सॉरी मैडम जी। वरना तेरी हर सारी हड्डियां काट दूंगा मैं, समझा? अजीब निकलने का हो, गलती होगी बच्चे से माफ कर दो। बैठ जा चल। गुड मॉर्निंग चुड़ैल। हैं छपके आ जाओ रे कुआ। चुड़ैल को कुछ काम तो है नहीं सवाल जवाब ही करने। जी मैम। हाँ बता क्या बोला तूने आके अभी? मैम मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो गुड मॉर्निंग बोला। मुझे कुछ सुनाई दिया था। अच्छा चल तू एक बात बता, इतनी लेट क्यों आई तू आज? बता रही नहीं बता रही तू क्यों आई लेट? चल फिर इनके आगे मुर्गा बन। हैं मुर्गा? पर मैं तो लड़की हूँ, मुर्गा कैसे बन सकती हूँ? तो कोई बात नहीं मुर्गी बन जा। अब भी बता दे लेट क्यों आई, अब भी पूछ रही मैं तेरे से। मैडम जी मैं लेट इसीलिए आई हूँ, गेट पे अमर अकबर अंतनी तीनों बैठे हैं और बीड़ियाँ पी रहे और वो लोग मुझे भी छेड़ रहे थे इसलिए मैं लेट हो गई। कहाँ बैठे वो तीनों आराम में? मैम वो गेट के चौथा हिस्से में बैठे थे। ठीक है बेटा तू बैठ, मैं अभी देखती हूँ उनको। मेरी बात सुन मैडम, मुडम तो ना डर करो तुम। और रुड़की का गलंडा डीएसएम कॉलेज में जाओ, नू को आ रहा था
अब स्कूल के अंदर सारी मेरी चलो, कोई भी मास्टर नहीं बोल सकता ना टीचर उनके सामने कुछ भी। भाई हम क्या फिर डर, हम तो यहाँ बच्चे है। लेकिन ये बीड़िया सीढ़िया भी ना ज्यादा पी करो, अन्नी मन उगा फीपड़े कट जाएंगे थारे। हर एक बात और बताऊ, मरने की कगार पहुंच जाओगे तुम। भाई यार खांसी हो रही, मुझे भी खांसी कर रही है। हाँ बच्चे एक बात तो बता, ये जो तू गोबर खा रहा भैंस का, तेरा होठ भी तो ऐसा हो या पोलार्ड का। अरे चल आज आज खा रहा, आज के बाद नहीं खाने का। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो हमारे स्कूल की मैडम हो ना, बड़ी बदतमीज है ये, हमारे पे जड़ो दोनों तो, और इस तरह जड़ती है। इसका मामला कुछ चल रहा दिख हड़का सा। हाँ, इसका कहाँ चल रहा, मेरा चलेगा वो तो। अरे नहीं मेरे संजल क्या, मेरे से तो खुश रहा वही तो। मैं तुझे क्या खुला वो उसे ऐसा। अरे खुआता है कुछ नहीं, ये अपने लाइन पर धर रहा उसे जाल में फंसा रहा। हाँ जाल में फंसा रहा। चल अच्छा है कि मिनट रुक जा, मैं इसे धर लूं। ले पढ़ियो क्या लिखा हुआ इसको। अरे कुछ नहीं लिख रखा, ये तो ये लिख रखा है तम्बाकू खाने से कैंसर हो सकता है। ले भाई कहाँ जा लिया, बैठते रंगीले भाग, सामने रुखसाना मैडम खड़ी, भाग जूच। करोगे ही तुम नागिन डांस, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे बीड़ी पी जा। चलो खड़े हो जाओ, मुर्गा बनके चलो क्लास में। चलो चलो मुर्गा बनके चलो क्लास में। बच्चों कल मैंने आपको मीनिंग याद करने के लिए कहा था, किस किसी ने याद किया है, अपने अपने हाथ खड़े करो। हाँ भाई साहिल खान, तू क्यों नहीं याद करके आया? मैडम जी मेरे तो याद है। जब तेरे याद था तो तूने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? मैडम जी इसके हाथों में हवा निकलेगी। मैडम जी तो बदतमीज है, झूठ बोल रहा है, मेरे तो हाथ बिल्कुल सही है। तो बदतमीज तूने हाथ क्यों नहीं खड़े करे, अपनी औकात में रह ले, बता रही मैं तुझे। मैडम जी अगर हमारी औकात चेक करनी हो तो सीधे हवेली पे आ जाना। उगले हुए आम के छिलके चुपचाप बैठा रहे, चल बैठू खड़ा हो। तू ये बता सलमान खान कल क्यों नहीं आया था? मैडम जी कल मैं नहीं आया था, मेरे घर में पूजा थी। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे यहाँ पूजा थी, पूजा करनी भी चाहिए। लेकिन ये बता परसों क्यों नहीं आया था? मैडम जी परसों मैं नहीं आया था, मेरे घर काजल थी। बदतमीज मैं तुझे बताती हूँ अभी। बदतमीज मैं समझी थी तेरे घर में पूजा है और लड़कियों से मुलाकात रखता है, नीचे बैठ। बच्चों अगर तुम अपना करेक्टर सुधारना चाहते हो ना तो मैडम को अपनी माँ मान लो। अरे बुद्धि आराम दबेता, अभी बना लूंगा माँ। बेटे इधर को आ जरा, इधर को आ, हाथ आगे कर। अरे बिल्डोजर तू पहले खड़ा हो जा। तू मुझे ये बता, जो इंसान सर उठा के चलता है उसे फायदा होता है या नुकसान? अजय नुकसान हो। अच्छा चल बता वो कैसे। अजी उसे नीचे पड़े हैं, पैसे नहीं मिलते। तू तो सांड है, तेरा दिमाग भी सांड है, बैठ नीचे। ए मेरा मैं इतनी जागी नहीं लड़ा कर जाऊंगा। वो क्या हो चुपके बैठा बताना, चल ले सांड तू ही बता। अरे नड़के से मुंह वाली मां नहीं जाती। अरे हाथी का सूंड बताने में कुछ जा रहा क्या तेरा? चल अच्छा तू मेरी तरफ पुनः गौर से देखे बोर्ड, ठीक है? ठीक है। मैडम जी मैं तो बदतमीज हूँ, मेरे घर में पूजा थी। चलो अच्छी बात है, तेरे घर में काजल थी। मैडम जी परसों मैं नहीं आया था, मेरे घर काजल थी। भाई यार खांसी हो रही, मुझे भी खांसी कर रही है। अरे बच्चों कल मैंने आपको मीनिंग याद करने के लिए कहा था, किस किसी ने याद किया है, अपने अपने हाथ खड़े करो। ले पढ़ियो क्या लिखा हुआ इसको। बच्चों कल मैंने आपको मीनिंग याद करने के लिए कहा था, किस किसी ने याद किया है, अपने अपने हाथ खड़े करो। ले पढ़ियो क्या लिखा हुआ इसको। बच्चों कल मैंने आपको मीनिंग याद करने के लिए कहा था, किस किसी ने याद किया है, अपने अपने हाथ खड़े करो। ले पढ़ियो क्
मैडम जी इसके साथ पंगा ना लियो, इसमें तो स्पीकर कंपनी का। इसका स्पीकर तो किसी दिन मैं सही कर दूंगी। अच्छा चपकी तू खड़ी हो पहले। जी मैम। तू मुझे ये बता ऐसा कौन सा पंछी है जो सबसे ज्यादा तेज उड़ता है? मैम गधा। जब ही तो तेरे जैसे गधे पैदा हो रहे हैं दुनिया में, नीचे बैठ। हाँ तो बच्चों इन जैसे गधों से दूर रहा करो, ठीक है? और हाँ तू खड़ा हो जा। भैया सरकारी नलके जैसे मुंह वाली मानने के नहीं, ऐसा बताने पड़ेगा मुझे कुछ। हाँ मैडम जी। हाँ तो बता लड़कियाँ खाना कम क्यों खाती है? अजी मैडम जी खाना कम खाने की बात कर रही तुम? मैं गुआरा मैंने ब्याह में देखी ना बहुत बुरा हाल शादी में जाओ तो खाना खान जाओ या लड़कियों का मुँह देखने जाओ? मैडम जी यह बात तो मुझे नहीं पता, तो सही पता यार तू मुझे जरूर फंसवाओगा उस्ताद। बस मैडम जी दो नए काम करने जा। तू तो सकल से ही मुझे चोर लग रहा। और तू बता तू मुझे आज आलकस में क्यों लग रहा? मैडम जी यो नहीं बताने का मैं बताऊंगा। ये आलकस में नूर है कि एक लीटर दारू का पी का हुआ इसलिए आलकस में रहा। बेटे शराब नहीं पिया करते, शराब धीरे धीरे आदमी की जान ले ले। अब मानने की जल्दी किसा। अच्छा बेटा छपके कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने के लिए कहा था, क्या लिखे लाई? मैडम जी मैं वो कुत्ते पर निबंध लिखी रही थी, कुत्ता बीच में ही भाग गया। मैडम जी अपना आपको तो समझो या आलिया, लेकिन इन जैसियों को मिलता है इसके जैसा कालिया। ओ तेरे पे दिमाग भी है या नहीं? हाँ है लेकिन मांगन देने का। ओ पत्नी तू नीचे बैठ। ए एटीएम तू अभी सीढ़ी सुना, तेरा बाबू ने चट्टा ले रखा जुबान निकली है। तहसील मारिए बेटा इसके। मैडम जी तुम मेरे दिल में ऐसे बस गई हो जैसे एक छोटे दरवाजे में मोटी भैंस फंस गई हो। खड़ा हुई हो? अजी मैडम जी बस माफ कर दो, बैठ जा भाई बैठ जा। सारी की सारी अनपढ़ फौज भरी पड़ी है यहाँ पे। चल बैठ तू खड़ा हो, तेरे से बहुत उम्मीद है, तू बता। जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? मैडम जी उसे चाह गाड़िया दी हो जाओ कहीं उसे पता लग रहा। तुम मुझे एक बात बताओ तुमने कभी जिंदगी में कुछ काम किया या नहीं, या खाया और खाई? मैडम जी बात सुन लो, यो काम तो करो या बैठी। ओए बदतमीज तू बोले मैं सर फाड़ दूंगी। नहीं करती निका, हमने तो बहुत कुछ करा जी। चल तू ही बता तूने ऐसा क्या किया? मैडम जी हमने एक ऐसा काम कर दिया पढ़ाई के जरिए जो एरिया में कोई नहीं कर सकता। पता तो सही ऐसा तूने कौन सा हवाई जहाज बना के उड़ा दिया? मैडम जी हमने तीनों मिलकर ना थारे ऑफिस में ऐसा सिस्टम कर दिया तुम ही बैठे बैठे ना और पार देख सको। हाँ जी 10 मिनट में कर दिया हमने। मैडम जी पढ़ाई के जरिए कर दिया? हाँ करा पढ़ाई के जरिए, दिमाग तो करा। बा बेटा बा, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी, तुमने बहुत अच्छा काम करा है, तालियां बजाओ मैं इन सब के लिए। बेटा एटीएम तुम इधर आओ मेरे पास, कुंदन हलवाई के यहाँ से तुम्हें मिठाई लेके आनी है, जल्दी जाओ भाग के आओ। थैंक यू। अच्छा बेटा ये बताओ तुमने किया क्या है? बता दे। अरे बस ये बताओ रंगीले तू बता दे। अरे तू ही बता दो। अरे तू ही बता। अरे तू ही बता देता। लड़ो मत तुम तीनों, हसीन चल तू ही बता। मैडम जी हमने तीनों ना अपनी टेक्नोलॉजी से थारे ऑफिस में बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। कुछ किया भी है बता तो सही। मैडम जी हमने बारी ठाक ना थारे ऑफिस की दीवार में रोबा कर दिया।